वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2012 में आई मूवी एंड ऑफ वॉच को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर तुम भागोगे तो मैं पीछा करूंगा, तुम गोली चलाओगे तो मैं भी गोली चलाऊंगा, अगर मैं इस काम में मर भी जाऊं तो मेरे हजारों साथी तुम्हें ठिकाने जरूर लगाएंगे। हम पुलिस वाले हैं और हम जुर्म से लड़ते हैं। इसके बाद हमें एक चेस दिखाई जाती है, जहां गैंग वालों की एक कार एक जगह पर ठुक जाती है और फिर वो पुलिस वालों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर पुलिस वाले उन्हें जल्द ही ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो है ब्रायन टेलर और उसका पार्टनर माइक ज्वाला, और दोनों ही LAPD के पुलिस वाले हैं और दोनों का काम पेट्रोलिंग है और ब्रायन को वीडियो रिकॉर्डिंग करने का शौक है। इसके बाद पुलिस कैप्टन बाकी पुलिस वालों को समझाता है कि हम पुलिस वाले हैं और हम अच्छे लोग हैं, तो बेहतर होगा कि क्रिमिनल्स को जिंदा पकड़ो। अगर तुम लोग अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर गंदा काम करोगे तो मैं खुद तुम्हें जेल में फेंक दूंगा। और इस दौरान भी ब्रायन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसके बाद पुलिस सार्जेंट ब्रायन और माइक को न्यू एरिया में पेट्रोलिंग का काम असाइन करता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले अपने काम पर निकल जाते हैं। इसके बाद ब्रायन को एक इंसिडेंट की रिपोर्ट मिलती है, तो ये दोनों खुश होकर बोलते हैं कि दिन का पहला कस्टमर आ गया। जब ये लोग इंसिडेंट वाली जगह पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ट्रेन नाम के एक आदमी ने नशे में अपने पोस्टमैन को डरा धमकाकर अपने घर से भगा दिया था। जब ब्रायन और माइक ट्रे के घर पहुंचते हैं तो ट्रे काफी गुस्सा कर पूछता है कि अब क्या पोस्टमैन को डराना भी जुर्म है, और फिर बातों ही बातों में झगड़ा काफी बढ़ जाता है और ट्रे माइक को गालियां बकने लगता है, तो माइक की भी सनक जाती है। तो ये दोनों अपना मतभेद दूर करने के लिए मर्दों वाली फाइट चालू कर देते हैं और काफी देर पहलवानी के बाद माइक ट्रे को हरा देता है और इस लड़ाई में माइक ट्रे की रिस्पेक्ट भी जीत जाता है। ट्रे अपने दोस्तों को बताता है कि आज मैं दो अच्छे पुलिस वालों से मिला और मेरी उनमें से एक जने से फाइट भी हुई, और उन दोनों ने मुझ पर कोई चार्जेस भी नहीं लगाए, जबकि उनके पास अच्छा बहाना था। मगर तभी एक गैंग वाले ट्रे और उसके गैंग पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ट्रे का एक दोस्त मारा जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस को वो कार मिल जाती है जिसमें वो गैंग वाले थे जिन्होंने ट्रे के गैंग वालों पे हमला किया था। ब्रायन इस कार को चेक करते हुए बताता है कि ऐसी ही कार को अक्सर गैंग वाले यूज करते हैं और ये फायरिंग किसी गैंग ने ही की है। मगर तभी यहाँ पर होमिसाइड डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो ब्रायन वगैरह को यहाँ से भगा देते हैं। वहीं LAPD का ऑफिसर वेन हाउसर ब्रायन वगैरह को कुछ खास पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि ब्रायन और माइक बदमाश लोग हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी बड़ास निकालने के लिए ब्रायन और माइक अपनी फीमेल पार्टनर्स की बुराई करने लगते हैं। माइक बताता है कि मैं तो अपनी वाली की सुनता भी नहीं, बस हाँ हाँ करके जवाब देता हूँ, और वो भी अपनी मनमानी चलाकर खुश रह लेती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिलती है। तो ये लोग रिपोर्ट वाली जगह पे जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी बताती है कि मेरे बच्चे गायब हैं और मैंने उन्हें रात भर ढूंढा है मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। मगर जल्द ही ब्रायन को इस लेडी पर कुछ शक होने लगता है। जब ब्रायन घर की तलाशी ले रहा होता है तब उसे बच्चे मिल जाते हैं। वो दोनों बच्चे एक क्लोजेट में बंद थे और उन पर टेप लगा हुआ था, तो ब्रायन और माइक समझ जाते हैं कि बाहर वाला कपल या तो नशेड़ी है या ये बच्चे उनके नहीं है। तो फिर इस कपल को पकड़ लिया जाता है। आखिर चाइल्ड अब्यूज नॉर्मल मैटर नहीं है। लौटते वक्त ये लोग फिर से लड़कियों के ऊपर बात करते हैं। असल में ब्रायन एक लड़की को डेट कर रहा है, तो माइक बोलता है कि तुम अमेरिकन्स लड़कियों को डेट करते करते आधी जिंदगी निकाल देते हो, क्यों ना कोई एक लड़की ढूंढ लो जो खाना पका दे और बच्चों का ख्याल रख सके, सिंपल, और क्या चाहिए किसी आदमी को। माइक कंटिन्यू करता है कि ब्रायन इस बात का ध्यान रखना कि खुद से ज्यादा स्मार्ट लड़की से शादी मत करना, वरना तुम हस्बैंड कम कुली ज्यादा बन जाओगे। वैसे गाइज असल में इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है। इसके बाद हमें वो गैंग दिखाया जाता है जिन्होंने ट्रे के गैंग पर हमला किया था। वो लोग अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहे होते हैं, मगर पुलिस वाले पार्टी वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। असल में इस गैंग वालों ने म्यूजिक कुछ ज्यादा ही जोर से चला रखा था, जिससे पड़ोसियों को परेशानी हो रही थी। तो ब्रायन इनके बॉस बिग इवल नाम के आदमी को वार्निंग देकर निकल जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जो कि माइक के रिश्तेदारों की थी, और यहाँ पर ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड जैनेट को भी लेके आया है। ब्रायन फिर जैनेट को माइक और उसकी वाइफ से मिलवाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि माइक जल्द ही पिता बनने वाला है। नेक्स्ट डे पुलिस सार्जेंट ब्रायन वगैरह को खूब डांट लगाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है कि तुम लोग ऑन ड्यूटी क्राइम सीन पर भी वीडियो शूट कर रहे थे, तुम पुलिस वाले हो न कि कोई कैमरामैन। मगर ब्रायन और माइक को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये दोनों एक गैंग पर नजर रख रहे थे, तभी इन्हें एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है जो कि मैक्सिकन ड्रग कार्टल का था, और फिर ये लोग उस ट्रक का पीछा करते हैं। जब ये लोग ट्रक को रुकवाते हैं तो अंदर से एक आदमी गन निकालकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, मगर ये दोनों इस गुंडे को आसानी से पकड़ लेते हैं
और ट्रक की चेकिंग करने पर इन्हें एक बड़ी सी गन मिलती है। इसके बाद पुलिस कैप्टन इन दोनों को काफी शाबाशी देता है कि उन लोगों ने एक ड्रग कार्टल मेंबर को पकड़कर इतनी सारी चीजें बरामद की है। इसके बाद इन दोनों की नाइट ड्यूटी थी, तब उन्हें एक घर में आग लगी हुई दिखती है। जब ये लोग जल्दी से चेक करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, तो ये दोनों जैसे तैसे करके बच्चों तक पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं, मगर गर्मी और धुएं के कारण इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। नेक्स्ट डे इन दोनों का तालियों से स्वागत होता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाया था और फिर इन्हें इनकी ब्रेवरी के लिए मेडल पहनाए जाते हैं। मगर ब्रायन काफी गुस्सा है, क्योंकि माइक बिना सोचे ही जलते हुए घर में घुस गया, तो उसकी वजह से दोनों मरते मरते बचे हैं। ब्रायन बोलता है कि माइक, मैं एक पुलिस वाला हूँ, कोई हीरो नहीं। मैं जलते घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से गया था, वरना मैं अंदर नहीं जाता। अब मेरा तुम पर एक एहसान है, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने गैंग वाले लड़कों के फोन रिकॉर्ड चेक किए थे, वो किसी बड़े कार्टल के मेंबर हैं। मेरे साथ उनके घर की तलाशी लेने चलो। तो बेचारा माइक मान जाता है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जो कि गैंग वालों का पॉसिबल हाइडआउट था। अंदर जाने पे इन दोनों को एक आदमी मिलता है, तो ये दोनों उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे काफी सारी गन बरामद होती हैं। और फिर इन्हें घर में बहुत सारे लोग प्रिजन में बंद मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें ड्रग्स दिया गया हो। ब्रायन और माइक समझ जाते हैं कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, पर तभी यहाँ पर काफी सारे हेवीली आर्म्ड एजेंट्स आ जाते हैं और ये एजेंट्स आईसीई डिपार्टमेंट के थे। आईसीई डिपार्टमेंट क्रॉस बॉर्डर क्राइम और इलीगल इमिग्रेशन को हैंडल करता है। इसके बाद आईसीई डिपार्टमेंट पूरे केस को अपने अंडर कर लेता है, मगर अब ब्रायन वगैरह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एक एजेंट बताता है कि जिस आदमी को तुमने पकड़ा है वो सिनोला कार्टल के लिए काम करता है, और जो लोग अंदर बंद हैं वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें कार्टल वालों ने किडनैप किया है। तुम लोग बेवकूफ हो जो कार्टल से पंगा ले रहे हो, और वो लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। और ये सब जानकर ब्रायन काफी टेंशन में है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माइक की वाइफ एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है और ब्रायन और जेनेट इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने आते हैं। और जब जेनेट इस बेबी को इतने प्यार से देख रही होती है तो माइक समझ जाता है कि ब्रायन की लगने वाली है। खैर, सभी को अपना प्यारा बेबी चाहिए होता है। इसके बाद माइक ब्रायन को समझाता है कि शादी सोच समझ के करना, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये जिंदगी भर का मैटर है। तो ब्रायन भी काफी सीरियस हो जाता है, मगर तभी इन्हें हेल्प के लिए कॉल आता है और ये कॉल वैन हाउजर की पार्टनर का था। ये लोग जल्दी से वैन हाउजर को ढूंढ लेते हैं, मगर वैन हाउजर की हालत काफी खराब थी और उसकी आंख में चाकू घुसा हुआ था। वैन हाउजर इन्हें क्रिमिनल के बारे में वार्न करता है। जब ये दोनों चेक करने जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा गुंडा वैन हाउजर की पार्टनर सूख को बुरी तरह पीट रहा होता है, तो ये लोग गन पॉइंट पर उस गुंडे को अलग करवा के पकड़ लेते हैं। मगर ऑफिसर सूख की बुरी हालत हो रखी थी। इसके बाद वैन हाउजर को एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, तो पुलिस सार्जेंट ब्रायन पे काफी भड़कता है और बोलता है कि तुमने उस गुंडे को गोली क्यों नहीं मारी, उसने एक पुलिस वाले पे हमला किया था, तुम्हारे पास उसे शूट करने के फुल राइट्स थे। पुलिस सार्जेंट कहता है कि तुम्हें पता है ऑफिसर सूक ने अपना पुलिस बैच लौटा दिया है और अब वो पुलिस की जॉब छोड़ रही है। तो यहाँ मौजूद पुलिस लेडीज इनसे बोलती है कि अच्छा ही है वो जॉब छोड़ रही है, उस बेवकूफ ने वैन हाउजर को मरवा ही दिया होता। इसके कुछ दिनों बाद ब्रायन जेनेट से शादी कर लेता है और ये लोग काफी खुश हैं। शादी के बाद माइक एक तगड़ी स्पीच देता है कि जेनेट एक पुलिस वाले को लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए थैंक्स, और आज इसी वक्त से यहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले तुम्हारे भाई बहन हैं, हम सब तुम्हारा परिवार है, और हो सके तो ब्रायन को सुधार लो क्योंकि ये तो हमारे बस का नहीं है। इसके बाद एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान ब्रायन और माइक को रिपोर्ट मिलती है कि एक लेडी ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया है और उसने रिक्वेस्ट की है कि क्या कोई चेक कर सकता है कि मेरी बूढ़ी माँ ठीक ठाक है या नहीं, और मेरे घर जाकर मेरी बूढ़ी माँ का हालचाल चेक करके मुझे बता दो, क्योंकि फिलहाल मैं उनसे काफी दूर रह रही हूँ। जब ब्रायन और माइक उस लेडी के घर पहुँचते हैं तो उन्हें घर में काफी सारे फोन मिलते हैं, तो इन्हें कुछ शक होता है और फिर ये लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। मगर इन्हें एक क्लोजेट में हाउस ओनर के साथ कई और आदमियों की कटी पिटी डेड बॉडीज मिलती हैं और ये समझ जाते हैं कि ऐसी कलाकारी तो कार्टल्स वाले करते हैं, और ये सब देखकर ब्रायन की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आईसीई डिपार्टमेंट वाले कुछ कार्टल वालों पे नजर रख रहे थे। कार्टल के एक आदमी को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि दो पुलिस वालों को मारना है। दरअसल कार्टल वाले माइक और ब्रायन को मरवाना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों कार्टल्स के काम में टांग अड़ा रहे हैं, और ये सब आईसीई डिपार्टमेंट को भी पता चल जाता है। मगर वो लोग एलएपीडी को इन्फॉर्म नहीं करते कि कार्टल वाले दो पुलिस वालों को मारना चाहते हैं। वहीं एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान ब्रायन और माइक को ट्रे दिखाई देता है। असल में ट्रे अब माइक की काफी रिस्पेक्ट करता है। ट्रे माइक को वार्न करता है कि मैंने आवाज सुनी है कि कार्टल्स तुम्हें मारना चाहते हैं, मगर माइक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हमें तो सब लोग मारना चाहते हैं। मगर असल में माइक वगैरह का एक गैंग पीछा कर रहा था
और ये लोग बिग ईवल के गैंग वाले हैं और इन लोगों ने ही ट्रे और उसके गैंग पे हमला किया था। गैंग की एक लेडी बोलती है कि हम इन पुलिस वालों को खुलेआम नहीं मार सकते, हमें कोई प्लान बनाना होगा। ब्रायन माइक को बताता है कि जेनेट प्रेग्नेंट है और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ऐसा सुनकर माइक भी काफी खुश है और वो ब्रायन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मगर तभी इनके सामने वाली कार का ड्राइवर बुरी तरह से कार चलाने लगता है, तो माइक और ब्रायन उसका पीछा करते हुए एक कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाते हैं। मगर तभी इन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है, यानी गैंग वालों ने इन्हें मारने के लिए ये प्लान बनाया था और ये काम बिग इवल के गैंग का था। और फायरिंग के दौरान ब्रायन के शोल्डर में गोली लग जाती है, तो ये लोग बैकअप बुलाने लगते हैं। मगर ब्रायन को अंदाजा है कि बैकअप के आने से पहले गैंग वाले उन्हें ढूंढ लेंगे, और इस फ्लैट में मौजूद एक लेडी काफी चिल्लाने लगती है कि यहाँ से जाओ। शायद उस लेडी को लग रहा होगा कि उन पुलिस वालों की तरह वो भी मारी जाएगी। मगर तभी गैंग वाले इस लेडी की आवाज सुनकर इस फ्लैट पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ब्रायन वगैरह फायरिंग करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक गली से भागने लगते हैं। मगर तभी एक गुंडा ब्रायन की छाती पर गोली मार देता है और अब ब्रायन की बहुत बुरी हालत थी और थोड़ी ही देर में ब्रायन मरने की कगार पे था। तो ये सब देखकर माइक रोने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, मगर हेल्प के बजाय पीछे से गुंडे आ जाते हैं और माइक को भून डालते हैं। और जब ये गैंग वाले खुशी से यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस बैकअप आ जाता है और वो लोग इन गुंडों को भून डालते हैं। जब पुलिस वाले माइक और ब्रायन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि माइक तो मर चुका है, मगर शायद ब्रायन अभी भी जिंदा है। इसके बाद माइक को पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है कि ब्रायन जिंदा है। और ब्रायन माइक के लिए कुछ शब्द बोलता है कि माइक सिर्फ मेरा पार्टनर ही नहीं था, वो मेरा भाई भी था। और अब ब्रायन और माइक की बीवियां काफी दुखी हैं। गाइस, पुलिस वालों की जॉब और उनकी बीवियों की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।